दर स्कूल और कॉलेज की छात्राओं से अक्सर राह चलती छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। कई बार तो लड़कियों को ऐसे सामाजिक तत्वों से घबराकर घर से निकलना तक छोड़ देती हैं। ऐसे ही मामलों को देखते हुए नागौर पुलिस ने तैयार की है विमेन पुलिस टास्क टीम, जो इस तरह के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करेगी, हालात कैसे भी हों। क्योंकि लेकिन ये विमेन इन ब्लू लड़कियों की मदद के लिए मिनटों में पहुंच जाएगी। नागौर में बेटियां रहेंगी महफूज, शहदों की आने वाली है शामत। किसी लड़की से की छेड़खानी तो भुगतना पड़ेगा भारी अंजाम। कार्रवाई के लिए तैयार महिला टास्क टीम, विमेन इन ब्लू टीम से रहना बचके। बेटी की शिकायत पर मिनटों में पहुंचेगी टीम। नागौर जिले में नागौर एसपी हरिंदर महावर जी द्वारा जो नवाचार महिला सुरक्षा के प्रति किया गया है, महिला पुलिस विंग की जो स्थापना की गई है, वो बहुत ही सराहनीय व अनुकरणीय प्रयास है। वह ये समाज में सौहार्द व सुरक्षा का भाव पैदा करेगा। बेटियों, माताओं, बहनों को सुरक्षा का भाव पैदा होगा। जी हाँ, नागौर में अब मजनुओं की खैर नहीं, इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बच्चियों की सुरक्षा का बीड़ा उठाते हुए एसपी हरेंद्र महावर ने नई महिला टास्क फोर्स का गठन किया है, जो ऐसे शोहदों पर नकेल कसेगी। असामाजिक तत्वों की वजह से स्कूल कॉलेज की छात्राओं के अलावा वर्किंग विमेन के मन में सुरक्षा का भाव लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इन बच्चियों की सुरक्षा के लिए खाकी वर्दी से अलग ब्लू ड्रेस में महिला टास्क टीम तैयार की गई है, जो किसी तरह के हालात में बच्चियों की सुरक्षा के लिए कुछ ही मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। महिलाओं और कॉलेज गोइंग गर्ल्स और स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक महिला टीम तैयार करी है, जिसमें महिलाएं मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करेंगी। इस टीम को हमने प्रशिक्षण दिलवा करके और लाइसेंस दिलवा करके इनके पास मोटरसाइकिल्स की व्यवस्था की है। ये लड़कियाँ जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार गश्त करेंगी। ये ब्लू विमेन टास्क टीम सुरक्षा के इस काम में पूरी तरह से माहिर है। इस तेज तर्रार लेडी सिंघम वाली टीम के मेंबर्स को बाइक और व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, ताकि बच्चियां अपनी शिकायत गुप्त तरीके से विमेन इन ब्लू टीम से कर सकें। पुलिस की ये स्पेशल ब्लू टीम जानकारी लगते ही पीड़ित बच्ची की हेल्प करने पहुंच जाएगी। पहले फेज में जिला मुख्यालय पर इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मेड़ता, डीडवाना, कुचामन समेत नागौर जिले के बड़े कस्बों में ऐसी टीम गठित की जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन की इस पहल का महिला समाज सेवी भी स्वागत कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर नागौर जिला पुलिस की महिला विंग की एक महिला गार्ड भी तैयार है, जो जिले में होने वाली हर वीवीआईपी मूवमेंट में गार्ड ऑफ ऑनर देंगी। हाल ही में नागौर पहुंची सीएम राजे ने भी इन दोनों पहल को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की तारीफ भी की थी। नागौर जिले में एक अभिनव प्रयास के तहत हमने महिलाओं के द्वारा सलामी गार्ड की एक टीम तैयार करी है, जिसमें सभी महिलाएं शामिल है, जिसमें कि बिगुलर का कोर्स किए हुए एक लेडी कांस्टेबल भी शामिल है। और इस टीम के द्वारा आपकी बार हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदया को सलामी दिलवाई, जिसके के आधार पर हमें उन्होंने काफ़ी सराहना भी की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम इसी प्रकार आगे भी बहुत अच्छा काम करती रहेगी। नागौर जिला पुलिस का बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए ये कदम निश्चित रूप से असरदार साबित होंगे, बशर्ते पुलिस कप्तान की इस सोच को महकमे के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का साथ मिले, तभी इसे प्रभावी तरीके से पूरे जिले में लागू किया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर नागौर जिला पुलिस एवं नागौर एसपी हरेंद्र महावर का यह प्रयास कहीं ना कहीं पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिभावकों को खुशी इस बात की है कि अब उनकी बच्चियां स्कूल और कॉलेज में बैकहोप तरीके से आ जा पाएगी। इसी के साथ ही एसपी हरेंद्र महावर ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक स्पेशल महिला विंग का गठन किया गया है, जो 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर तत्पर रहेगी। मनोज सोनी, जी मीडिया, नागौर।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा